नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च, दिन शनिवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बिजली की कीमत में आएगी कमी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को मिलेगी करोड़ों की सौगात। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आज से करें आवेदन। के पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का शिक्षा मंत्री ने बताया कारण। आधार से लेकर पेटीएम, फास्टैग व कई कामों को मार्च में करना होगा पूरा। अनिल कुंबले ने ध्रुव जुरेल को लेकर की भविष्यवाणी। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नाविक भर्ती के आवेदन के लिए बढ़ी आखिरी तारीख। नाविक भर्ती को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा अहम सूचना जारी की गई है। दरअसल नाविक वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख पहले 27 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 मार्च कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार joinindiancoastguard.cdse.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इसमें आरक्षित उम्मीदवारों को छूट दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में बिजली की कीमत में आएगी कमी। बिहार में नई बिजली दरों की घोषणा कर दी गई है। विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में 2% कटौती का ऐलान किया है। साल 2024-25 के लिए नई कीमत की घोषणा हुई है। सभी श्रेणी की बिजली दरों में 2% की कमी दर्ज की गई है। इससे लोगों को फायदा मिलेगा, लोगों का बिजली बिल कम आएगा। हालांकि बिजली कंपनियों ने इस साल दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी, जबकि उपभोक्ताओं ने बिजली की दरों में कमी की मांग की थी। इसके बाद कई शहरों में सुनवाई की गई थी। राजधानी पटना के विनियामक आयोग ने कार्यालय में आम लोगों से राय ली गई थी। इसके बाद विद्युत विनियामक आयोग ने दरों में कमी का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को मिलेगी करोड़ों की सौगात। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को करोड़ों की सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 6 मार्च को वे बेतिया के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार यहां आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा नहीं हुआ था। बताया जाता है कि पीएम औरंगाबाद को केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 11 योजनाओं की सौगात देंगे। इसकी लागत 18,188 करोड़ होगी। वहीं रेलवे की 4 परियोजनाओं की लागत 826 करोड़ है। इसी तरह औरंगाबाद को भी पीएम सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर औरंगाबाद और बेगूसराय दोनों ही शहरों के ट्रैफिक की व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। इसके बाद इन्हें पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए 3 बार ऑनलाइन और 1 बार ऑफलाइन परीक्षा की व्यवस्था की गई है। 5 में से किसी भी परीक्षा को पास करने के बाद शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए मंत्री ने यह साफ किया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए सरकार की नई नियमावली लागू होगी। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों के लिए 1 समान व्यवस्था होगी। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आज से करें आवेदन। बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयोग योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होगा। इस योजना के लिए आवेदन तारीख 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तय की गई है। राज्य में सभी पीडीएस दुकानों पर आज से आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकेगा। राशन कार्ड के सहारे पीडीएस दुकान में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जरूरी कागजात को जमा करना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड का होना जरूरी है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 4,09,367 राशन कार्ड बनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत बचे हुए लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। आधार से लेकर पेटीएम, फास्टैग व कई कामों को मार्च में पूरा करना जरूरी। साल 2024 का 3रा महीना चल रहा है। ये महीना कई वित्तीय कामों की डेडलाइन है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए 14 मार्च का समय निर्धारित है। आधार केंद्र पर अपडेट करने के लिए चार्ज का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा सुकन्या अकाउंट होल्डर और एनपीएस के निवेशक को इस महीने मिनिमम बैलेंस को जमा करना है। इस योजना में एक वित्तीय साल के अंदर न्यूनतम राशि का भुगतान होना चाहिए। वहीं 1 साल में निवेश नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मालूम हो कि IDBI बैंक की उत्सव FD स्कीम मार्च से बंद हो जाएगी। इसमें 7.25% तक का ब्याज मिलता है। इसका लाभ लेने के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे माँ मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में। माँ मुंडेश्वरी का ये मंदिर बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के पंवरा पहाड़ी पर स्थित है। यहां से प्राप्त बौद्ध शिलालेख करीब 389 ईस्वी के आसपास की है। यहां माँ मुंडेश्वर भवानी के मंदिर स्थापित मूर्तियां और मंदिर की नक्काशी उत्तर गुप्त कालीन की है। इस मंदिर का निर्माण पत्थर से करवाया गया था जो अष्टकोणीय है। मंदिर में स्थापित मूर्तियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। मंदिर में आपको पंचमुखी शिवलिंग भी देखने को मिल जाएंगे। ये पंचमुखी शिवलिंग का निर्माण जिस पत्थर से किया गया है उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। के पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का शिक्षा मंत्री ने बताया कारण। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी है। विजय चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि ये फैसला खुद के पाठक का है। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई थी, इसकी उन्हें अनुमति दे दी गई है। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि साल 2023 के जून के महीने में के पाठक ने शिक्षा विभाग के SCS के रूप में पदभार संभाला था। इनके केंद्र के प्रतिनियुक्ति पर जाने से बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव हो जाएगा। मार्च के महीने में बैंकों में होगी कई छुट्टियां। बिहार में मार्च के महीने में बैंकों में कई छुट्टियां होंगी, ऐसे में इसकी जानकारी रखना जरूरी है। इसके अनुसार ही अपने काम की योजना की तैयारी आपको करनी होगी। आपको बता दें कि 10 मार्च 17 मार्च और 23 मार्च को रविवार के होने के कारण बैंक बंद रहने वाला है, जबकि 23 मार्च को चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश होगा। वहीं 22 मार्च को बिहार दिवस होने के कारण बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। इसके बाद होली होने के कारण 26 और 27 मार्च को बैंक बंद किया जाएगा। 29 मार्च को गुड फ्राइडे के कारण छुट्टियों का निर्धारण किया गया है। मालूम हो कि बदलते दौर में कामकाज के तरीके भी बदले हैं, ऐसे में बैंक के बंद होने के दौरान भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए काम जारी रहेगा। दूसरों के खाते में आप पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कीर्तिवर्धन आजाद के बारे में। कीर्तिवर्धन पेशे से एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में 2 जनवरी 1959 में हुआ था। ये 7 टेस्ट मैच और 25 वनडे खेल चुके हैं। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे हैं। क्रिकेट में ये आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और एक ऑफ स्पिनर हैं। जब वर्ष 1983 में भारतीय टीम ने विश्व कप अपने नाम किया था तब ये भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। क्रिकेट के बाद राजनीति की दुनिया में भी आने का इन्होंने फैसला किया और वर्ष 2014 में दरभंगा से इन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और वर्तमान में ये लोकसभा के सदस्य हैं। BPSC के 27 शिक्षकों ने एक साथ दिया इस्तीफा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में मुंगेर जिले से 27 BPSC शिक्षकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं बल्कि नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। इन सभी के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिले में प्रथम चरण में कुल 1,223 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जबकि दोनों चरणों को मिलाकर 2,078 शिक्षकों की बहाली ली गई थी। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं मिलने के कारण इन शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। इन्होंने पहले चरण में स्कूलों को ज्वाइन किया था। बिहार के इस प्रोफेसर के किताब को पढ़कर कई बच्चों ने हासिल की सफलता। बिहार के प्रोफेसर डॉक्टर HC वर्मा के किताब को पढ़कर कई बच्चों ने सफलता हासिल की है। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम की किताब को लिखा था। साल 2021 में विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। मूल रूप से ये दरभंगा के रहने वाले हैं। लोकल न्यूज 18 से साक्षात्कार में उन्होंने जानकारी दी है कि इन्हें बचपन से ही विज्ञान और गणित में रुचि नहीं थी, लेकिन इन्होंने पटना विज्ञान विद्यालय में दाखिला लिया था। इसके बाद अचानक इनका विज्ञान के प्रति लगाव बढ़ता गया। ये कहते हैं कि छात्र जटिल भाषा को आसानी से समझ सके, इसको लेकर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम की किताब को लिखा था। इसमें 8 साल की कड़ी मेहनत लगी थी। बिहार के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। बिहार के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखने पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रसून शेखर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। ये सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने 29 मार्च 2024 तक राज्य सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य के जेलों की हालत सही नहीं है, यहाँ कैदियों की संख्या काफी अधिक है। कोर्ट में कहा गया है कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है और यहाँ बुनियादी सेवाओं का अभाव है। यह भी बताया गया है कि राज्य के जेलों में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी।
प्रदेश में प्री मानसून की होने वाली है शुरुआत। मार्च के महीने के शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। प्रदेश में बारिश के कारण तापमान में भी कमी देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञानी के मुताबिक प्री मानसून की शुरुआत होने वाली है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों का मौसम शुष्क रहने वाला है। आज प्रदेश में उत्तर पश्चिम और पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों का तापमान 26 से 28 डिग्री और 28 से 30 डिग्री, तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना है। बीपीएससी में निकली 300 से अधिक पदों पर भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के कुल 318 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मार्च है। इसमें अप्लाई करने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर विजिट करना होगा। इसमें अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1 अगस्त 2023 तक 21 साल तय की गई है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस की परीक्षा भी होगी, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं मालूम हो कि आवेदन करने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये की राशि तय की गई है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। पारा मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर मेडिकल छात्र और छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। इन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इससे पहले ये विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे। पुलिस ने इनके मार्च को जेपी गोलंबर के पास रोक दिया। आपको बता दें कि पारा मेडिकल छात्र और छात्राएं 7 सूची मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से बहाली नहीं ली जा रही है, जबकि अस्पतालों में पारा मेडिकल के स्टाफ की कमी है। इनसे इंटर्न का काम लिया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई बहाली नहीं निकाल रही है। इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। भारत के शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में नीतीश कुमार का नाम शामिल। इंडियन एक्सप्रेस समूह ने भारत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम है। इनके अलावा तेजस्वी यादव को भी शीर्ष 100 में जगह दी गई है। देश के चुनिंदा राजनेताओं के बीच उन्हें ये जगह मिली है। इसमें पीएम मोदी का नाम शीर्ष पर है। नीतीश कुमार को 24वें स्थान पर रखा गया है, जबकि तेजस्वी यादव को 73वां स्थान दिया गया है। हालांकि इसमें नीतीश कुमार से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है, वह 6ठे नंबर पर है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा को 14वां स्थान दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15वें स्थान पर है। आरजेडी के एक और विधायक एनडीए में शामिल। बिहार में आरजेडी को एक और झटका लगा है। भभुआ से पार्टी के विधायक भरत बिंद एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के 7 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। अब तक राजद के 5 विधायक एनडीए के खेमे में जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। आरजेडी के पाला बदलने वाले विधायकों में प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, वीणा देवी, संगीता देवी और भरत बिंद शामिल है। बीते दिन भरत बिंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, साथ ही उन्होंने सीएम के पैर को छूकर आशीर्वाद भी लिया था। पाला बदलने के बाद भरत बिंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, साथ ही कहा है कि उन्होंने अपनी इच्छा से ये फैसला लिया है, उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं। महागठबंधन की रैली में शामिल होंगे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की भव्य रैली होने वाली है। इसमें पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर थे। 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसको लेकर बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा है कि इससे जनता पर बहुत असर पड़ने वाला है। साल 2024 और 25 के चुनाव में पार्टी और गठबंधन और मजबूत होगा। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सब फेंकौआ बात बोलती है। एनडीए में शामिल होने के बाद चेतन आनंद ने दिया बयान। पाला बदलने के बाद आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के 3 पीए हैं, इन्होंने ही राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद कर दिया है। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, यही कारण है कि आरजेडी में टूट हो रही है। उनके विधायक दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। चेतन आनंद ने आगे कहा है कि पार्टी के अंदर विधायकों की कोई पूछ नहीं है, पार्टी के विधायक नेतृत्व से नाराज है, आरजेडी से अभी और टूट होगी, देखिए आगे क्या होता है। आपको बता दें कि अब तक राजद के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है, ये एनडीए में शामिल हो गए हैं।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2006 में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौते संपन्न हुए थे। आज के दिन वर्ष 2009 में चुनाव आयोग ने 15वीं लोकसभा के चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच 5 चरणों में संपन्न करने की घोषणा की थी। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी अनुसंगी रिलायंस पेट्रोलियम के निदेशकों ने बोर्ड के दोनों कंपनियों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 1986 में भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी जयंत तालुकदार का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1924 में हिंदी फिल्म निर्माता और वितरक गुलशन राय का जन्म हुआ था। अनिल कुंबले ने ध्रुव जुरेल को लेकर की भविष्यवाणी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने ध्रुव जुरेल को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि ध्रुव जुरेल महेंद्र सिंह धोनी के स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। अनिल कुंबले ध्रुव जुरेल की रांची टेस्ट में परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हैं। आपको बता दें कि ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद उनके रांची में प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। पूर्व कप्तान ने जुरेल की तारीफ करते हुए कहा है कि उनमें अगला एमएस धोनी बनने की क्षमता है। ध्रुव जुरेल ने स्थिति के अनुसार अपने दिमाग का उपयोग किया। जुरेल ने प्रतिभा है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे किसानों को लेकर नितिन गडकरी के वायरल हो रहे बयान के बारे में। सोशल मीडिया के जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सही हो ये जरूरी नहीं है। अब इसी कड़ी में नितिन गडकरी का किसानों को लेकर बयान वायरल हो रहा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कथन, आज किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, इसे INC इंडिया ने पुनः वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर दूसरा भ्रामक वीडियो साझा किया है। लेकिन आपको बता दें कि नितिन गडकरी का ये कथन वर्तमान सरकार के पहले के संदर्भ में है और ये ट्वीट पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए इस तरह के वीडियो पर विश्वास करने से पहले इसके सत्यता की जाँच करें। टेलीग्राम यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। देश दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए मोटी कमाई करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ना भी अब काफी आसान हो गया है। अब इसी कड़ी में खबर आई है कि अब लोग टेलीग्राम से भी अपनी मोटी कमाई कर सकते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जो टेलीग्राम के चैनल के मालिक हैं, अब वे विज्ञापन के जरिए अपनी कमाई कर सकेंगे, क्योंकि विज्ञापन से होने वाली कमाई का करीब 50% हिस्सा कंपनी इन चैनल मालिकों के साथ शेयर करने वाली है। इसे कंपनी द्वारा रिवॉर्ड नाम दिया गया है। ये रिवॉर्ड टन कॉइन के तरफ से TON ब्लॉकचेन के रूप में दिया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। शेयर बाजार तेजी के साथ हुआ बंद। भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हो गया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाजार बंद होने के साथ ही सेंसेक्स 1.72 यानी 1245.05 अंक चढ़ गया था, जबकि निफ्टी में 1.57% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इधर 5 अन्य कंपनियां लाल निशान में कारोबार करके बंद हुई हैं। बाजार में स्टील कंपनियों में भारी बढ़त सामने आई। टाटा स्टील में 6.71% की बढ़ोतरी देखने को मिली, इसके बाद बाजार बंद हुआ। वहीं JSW स्टील 5% से ऊपर पहुंच गया था। जानकारी के अनुसार बीते दिन सुबह से ही बाजार में तेजी देखने को मिल रही थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से पूछे जाएंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महिला और विकास मंत्रालय द्वारा कहां पर पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन डी है श्रम मंत्रालय। इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां से शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सिवान का पूर्वी भाग, ऑप्शन बी है पूर्णिया के पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी है किशनगंज के समीप, ऑप्शन डी है चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। इसका सही उत्तर है चंपारण का उत्तरी पश्चिमी भाग। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है। ऑप्शन ए है धान, गेहूं, गन्ना, चना, ऑप्शन बी है धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है धान, गेहूं, गन्ना, चना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राज कपूर शर्मा, राम नवमी मांझी, धनंजय कुमार, रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, मुदस्सिर नजर, वेद प्रकाश सिंह, नौसाद रजा, मेहताब आलम अंसारी, जय प्रकाश, मोहम्मद साकिर हुसैन, पवन सिंह, गोनर शर्मा, सुकुमार सिंह बादल, सादुल्ला पालवी, सुजीत को, गोलू कुमार, अनिल महतो, गणेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से के पाठक के जाने से बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।